भी दिल करता है, मैं नौरतों की तरह नाच नाच के हल्की हो जाऊं, नाच नाच के अपना गम भुला दूं। ये गम नहीं है बीबी, ये तो शान है आपकी, बुलंदी है आपकी। तन्हाई किसी की शान नहीं होती माखी, अकेले रहना किसी की बुलंदी नहीं होती। ये तुम क्या कर रहे हो मुरीद? बटन लगा रहा हूँ अम्मा। मैं बीबी सहन की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे पास आती है। गुनाह कर रहे हो तुम। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अम्मा। झूठ बोलते हो तुम। जब तक मर्द की आंखें झुकी रहती हैं, औरत का दिल खाली रहता है। कभी ना कभी तो उठी होंगी ना तुम्हारी आंखें उसकी तरफ, तभी तो वो खिंच चली आती है इधर तुम्हारे पास। अब तक तो मैं देख रही हूं इसलिए खामोशी है, अगर किसी और को पता चल गया तो पता है ना तुम्हें क्या करेंगे मुर्शद साई? अरे अचल था देख बेचारा कलंदर तू जनगरी में, अचल था देख बेचारा कलंदर तू जनगरी में, लहन था दिल जमू झारा कलंदर तू जनगरी में, अचल था देख बेचारा कलंदर तू जनगरी में, अचल था देख बेचारा कलंदर तू जनगरी में। हे चुमन था चा हम ऊँचा बठे घुमन था पेर उखाड़ा, हे चुमन था चा हम ऊँचा बठे घुमन था पेर उखाड़ा। ओफो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया माखी। मैं समझी बाबा साईं बुला रहे हैं आपको। सलाम अलैकुम बाबा साईं। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटी? बैठो। माखी बता रही थी कि तुम ठीक नहीं हो और खाना पीना भी बहुत कम कर दिया है तुमने। नहीं बाबा साईं, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। अपना ख्याल रखा करो बेटी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है,
अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारे चेहरे पर भी कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए। ये कुछ कपड़े और गहने हैं, मेरा एक मुरीद बाहर गया था, वही लाया है। अल्लाह साईं तुम्हें खुश रखे बेटा, कोई उदासी कोई गम न दे, सदा खुश रहो आबाद रहो। कितने खूबसूरत कपड़े पहन के किसको दिखाऊंगी मैं माखी। औरत तो सिंगार करती है मर्द को दिखाने के लिए, कपड़े जेवर पहनती है, मैं किसको दिखाऊंगी, किसको दिखाऊंगी मैं। हे अच्छा कारा बगा भूरा पिरीड ससावरा सोहना, हे अच्छा कारा बगा भूरा पिरीड ससावरा सोहना, अचन था मानू मोचारा कलंदर तुह जनगरी में, अचन था मानू मोचारा कलंदर तुह जनगरी में, लहन था दिले जमू झारा कलंदर तुह जनगरी में, अचन था जे किवे जारा कलंदर तुह जनगरी में, अचन था जे किवे जारा कलंदर तुह जनगरी में। हे उषा कन जा बेड़ा जफर शाह दरा दे पार का पहता, हे उषा कन जा बेड़ा जफर शाह दरा दे पार का पहता, कई उभारा कई लवारा कलंदर तुह जनगरी में, कई उभारा कई लवारा कलंदर तुह जनगरी में, लहन था दिले जमू झारा कलंदर तुह जनगरी में, अचन था जे किवे चारा कलंदर तुह जनगरी में। बोलो माखी, खामोश क्यों हो गई हो, क्या बीमारी है सुरैया को? साईं डर लगता है साईं, कहीं आप लोंडी की बात को गुस्ताखी ना समझ ले। तुम इतनी सी थी जब तुम्हें तुम्हारा बाप इस घर में छोड़ गया था हमारी खिदमत के लिए, तब से तुम हमारी खिदमत कर रही हो। अल्लाह बख्शे बीबी जीनत खातून को, उनके बाद तुमने सुरैया को माहू की तरह पाला है। तुम जो कहोगी वो हमारी खिदमत ही होगी। बात करो अपनी। सही, बीबी साहिबा की बीमारी का इलाज शादी है सही। तुम हमारी मजबूरी को अच्छी तरह जानती हो,
मैं तो जानती हूँ साईं, पर वो ख्वाहिश नहीं जानती जिसको दबा दबा कर बीबी साहब बीमार पड़ गई है। मुरीद से कहो कि वो ड्राइवर से कहे कि गाड़ी निकाले। हमारा बच्चा नजर नहीं आ रहा है। साईं, जमील अहमद शाह अपने कॉलेज गए हुए। कॉलेज शाम को? इस वक्त वो क्या करने गए कॉलेज? साईं, आज उसके कॉलेज में फंक्शन है, उसे ही अटेंड करने गया है। अच्छा, कब तक वापसी होगी? तकरीबन 9-10 बजे तक वापस आ जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें उसे वहाँ से लेना पड़ेगा। साईं, खैर तो है? हाँ अब्दुलरज़ाक, सब खैर है। हमने फैसला कर लिया है कि अब हम उसे मज़ीद तालीम नहीं दिलवाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ साईं, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने अपना फैसला बदल दिया? इस बच्चे को आप ही यहाँ छोड़ के गए थे ताकि आला तालीम हासिल कर सके। साईं, दूसरों की सपोर्ट के बजाय आप अपने भतीजे को MNA की सीट दिलवाएं। हमें अपनी बेटी से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं, इसलिए हम मजबूर हैं कि इतनी उम्रों के फ़र्क के बावजूद भी जमील अहमद शाह से अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा हमारे घर में कोई मर्द नहीं जिससे हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। सही, कम से कम शादी की जिम्मेदारी संभालने के तो काबिल हो जाएं, फिर हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे बच्चे को रहायश का इंतजाम दिया, उसकी तालीम की निगरानी की, लेकिन हमारी मजबूरियां उसे मज़ीद तालीम नहीं दिलवा सकती। आप उसे फ़ोन करके कह दें कि हम उसे कॉलेज से लेने आ रहे हैं, क्योंकि आज रात ही उसका निकाह है।
तो उनमें से कौन सी लड़की पसंद है तुम्हें जमील? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? एक से एक खूबसूरत होगी उनमें। जैसी मुझे चाहिए वैसी उनमें कोई भी नहीं। जमील ये कैसे हो सकता है बाबा, इतनी खूबसूरत लड़कियों में पढ़ते हो और दोस्ती किसी से भी नहीं? मुमकिन नहीं है, सच सच बता दो कौन है वो? बोल दिया ना, कोई भी नहीं। अरे बाबा तो फिर बाबा तुम्हारे लिए लड़की कहाँ से आएगी? कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? मुझे आप जैसी लड़की चाहिए, बिल्कुल आप जैसी, बिल्कुल आप जैसी। जाग क्यों रहा है? सो जा। अम्मा, बीबी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं होगी? शादी हुई है उसकी? नहीं अम्मा, वो खुश नहीं है, वो जाग रही है। उसके कमरे की बत्ती भी जल रही है अम्मा। तुझे कोई जरूरत तो नहीं है उसके दुख में घुलने की, चल सो जा। ऐसा क्यों किया तूने अम्मा उसके साथ? तेरी खातर पहली दफा मैंने मां बनकर सोचा, तेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था कि उसके दर पर हर वक्त कोई चौकीदार बैठा रहे। सो जा।
तो उनमें से कौन सी लड़की पसंद है तुम्हें जमील? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? एक से एक खूबसूरत होगी उनमें। जैसी मुझे चाहिए वैसी उनमें कोई भी नहीं। जमील ये कैसे हो सकता है बाबा, इतनी खूबसूरत लड़कियों में पढ़ते हो और दोस्ती किसी से भी नहीं? मुमकिन नहीं है, सच सच बता दो कौन है वो? बोल दिया ना, कोई भी नहीं। अरे बाबा तो फिर बाबा तुम्हारे लिए लड़की कहाँ से आएगी? कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? मुझे आप जैसी लड़की चाहिए, बिल्कुल आप जैसी, बिल्कुल आप जैसी। जाग क्यों रहा है? सो जा। अम्मा, बीबी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं होगी? शादी हुई है उसकी। नहीं अम्मा, वो खुश नहीं है, वो जाग रही है। उसके कमरे की बत्ती भी जल रही है अम्मा। तुझे कोई जरूरत तो नहीं है उसके दुख में घुलने की। चल सो जा। ऐसा क्यों किया तूने अम्मा उसके साथ? तेरी खातर पहली दफा मैंने मां बनकर सोचा। तेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था कि उसके दर पर हर वक्त कोई चौकीदार बैठा रहे। सो जा। ओही किताब उनका जिस पर सिने लगा, ओही किताब उनका जिस पर सिने लगा, जिसको लगाए जान पर उसको बुरी बला, जिसको लगाए जान पर उसको बुरी बला। लगती नहीं दवा दवा, लगती नहीं दवा, लगती नहीं दवा दवा, लगती नहीं दवा। राजे बिना वसैया लगती नहीं दवा, राजे बिना वसैया लगती नहीं दवा, लगती नहीं दवा दवा, लगती नहीं दवा, लगती नहीं दवा दवा, लगती नहीं दवा। राजे बिना वसैया लगती नहीं दवा। मेरा नाम रमशा है, मैं कराची से आई हूँ।
आप साईं रजा किशा की बेटी तो नहीं हो? वो जिधर साईं जमील शाह पढ़ने के लिए रुकता है? हाँ, वो मैं साथ पढ़ता था कॉलेज में। बिस्मिल्लाह बीबी साहब, बिस्मिल्लाह। आप गाना सर रखो, पर साईं अभी आपसे नहीं मिल सकता। माखी, अरे रमशा, तुम यहाँ कैसे? I missed you so much, Jameer. I missed you too. अम्मा, ये लड़की कौन है? रमशा नाम है उसका। है कौन? यहाँ क्यों आई है? मुर्शिद साईं के मुरीदी की बेटी है। साईं जमील शाह अपनी पढ़ाई के लिए इन्हीं के घर पे रहता था। अम्मा, मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या लगता है? वो साईं के हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी। बस जो भी है, तुम खामोश रहो। हम गुलाम हैं उनके, हमारा काम उनकी खिदमत करना है। अम्मा, बीबी पे क्या गुजर रही होगी? तू बिल्कुल नहीं सोचती है। बस बस, मुंह बंद रखो अपना। उस पर जो गुजरती है गुजरने दो, किस्मत है उसकी। मैं तुम्हें लेने आई हूँ जमीर, और तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। मैं अब कैसे आ सकता हूँ रमशा? वो यहाँ, वो कौन? वो कौन जमील? बताओ ना, वो कौन? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे जमील, जिसका तुम नाम भी नहीं ले सकते? पहले वो तुम्हारी अदी थी, और अब वो तुम्हारी कुछ भी नहीं है। किस रिश्ते से रह रहे हो तुम उसके साथ? हाँ, एक जबरदस्ती का निकाह और कोई ताल्लुक नहीं। रिश्ता तो तुम्हारा मेरे साथ है जमील, प्यार का, दिल का, रूह का, मेरी तन्हाई का कोई ख्याल नहीं तुम्हें। तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। मैं जानती भी थी कि तुम किसी और के शौहर बन गए हो, फिर भी मैंने तुम्हारे ही ख्वाब देखे, और अब जब सारी पाबंदियां उठ गई हैं तो तुमको उसकी तन्हाई याद आ रही है? वो तुम्हारे होते हुए भी तन्हा है जमील, क्योंकि उससे न तुम्हारा दिल मिला है और न तुम मिले हो। वो तन्हा रहेगी जमील, तुम्हारे होते हुए भी तन्हा रहेगी वो। मैं कैसे कहूँ उसे रमशा कि मैं जा रहा हूँ? कहने की क्या जरूरत है जमील? अब तुम मालिक हो, इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो, बस उठकर चलो मेरे साथ। वो तुम्हारे नाम की बीवी है, सो वो रहेगी। हे
देखिए आप क्या कर रही हैं? वो ठीक कह रही है, तुम्हें चले जाना चाहिए उसके साथ। वो बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारे यहां रहने ना रहने से मेरी तन्हाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा रिश्ता तो मजबूरी और जबरदस्ती का रिश्ता है। जब तक बाबा साईं थे तो उनकी खातिर हम घसीटते रहे, लेकिन अब घसीटने की क्या जरूरत है? तुम्हारा असली रिश्ता उसी के साथ है, वही तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी औरत है। मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती जमील, कुछ भी नहीं। और अब तुम अगर एक लम्हा भी और रुके तो मुझ पे बोझ होगा। सामान बांध दिया है तुम्हारा, कल सुबह तुम शहर जा रहे हो उसके साथ। वो जा रहे हैं मुरीद, चलो हाथ चूमो उनके, रुख्सत करो उन्हें। नहीं, वो गलत कर रहे हैं, उन्हें नहीं जाना चाहिए। फिर वही बात, तुम होते कौन हो ऐसी बात करने वाले? हुसैन हैं, मुर्शिद हैं, जो उनकी मर्जी। अम्मा तुझे बीबी की तन्हाई का कुछ ख्याल नहीं है, कुछ नहीं सोचती तू बीबी के लिए। बीबी की तन्हाई का साईं के होने से कोई ताल्लुक नहीं है। निकाह से पहले वो एक दूसरे को बहन भाई बोलते थे, निकाह के बाद सिर्फ बोलना छोड़ा है। वो बीबी का भाई ही रहा है, शोहर नहीं बना, एक लम्हे के लिए भी नहीं। मगर बीबी खुश तो थी ना, उसका दिल तो बहला हुआ था ना, कोई दोस्त तो था ना उसका। अब तो कोई नहीं है उसका, कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? कौन है? तुम है ना। मैं अम्मा? हाँ, thank you.
मैंने मम्मी को नहीं बताया है तुम्हारे साथ आने का। आओ चलो सरप्राइज देते हैं। मम्मी, मम्मी वेयर आर यू? क्यों नहीं है? कौन है? तुम है ना? मैं मां। हाँ तुम? अब तो कोई नहीं है उसका, कोई भी नहीं है। कौन है? तुम है ना? मैं मां। सुरैया कहाँ है माखी? पता नहीं साईं, मैं तो खुद ढूंढने निकली थी, पूरा गांव ढूंढ लिया, सैन का कोई पता नहीं है। और मुरीद, मुरीद कहाँ है? मुरीद भी तलाश में गया है बीबी सैन की। मुझे मालूम था वो ऐसा ही करेगा, तभी तो मैं लौटा हूँ। मुझे सब मालूम है उनका आपस में क्या ताल्लुक है। मुरीद सुरैया की तलाश में नहीं गया है, वो उसके साथ गया है। सुरैया कहाँ है मुरीद? सही, मैं तो यहाँ तक पहुंचा हूँ सही। बीबी तो सही कहीं आगे निकल गई। सुरैया कहाँ है मुरीद? सही, मैं तो आपका गुलाम हूँ सही, मुझे नहीं पता सही, ये तो आप जानते होंगे सही, मुझे नहीं पता। कहाँ है वो मुरीद? सीधी तरह बताओ वरना। सही, बीबी सैन ना आप से भागी, ना इस गुलाम के साथ। जिस तरह सही आपके हाथ ये बंदूक है, उस तरह इसके हाथ बस ये दुपट्टा है उनका। बीबी सैन तो जाने की तरह निकल गई सही, जाने किसे की तलाश में। देखो माखी, तुम सब जानती हो, सब मालूम है तुम्हें, कहां गई है वो? ना सही, ना
मुर्शद साईं की कसम, हम अपने मुर्शद से झूठ नहीं बोलते। हमको नहीं मालूम बीबी सेन किधर गई है। हाँ, पर इतना जरूर मालूम है वो अपने मर्द की तलाश में गई है। सही, कौन कौन है उसका मर्द? कोई होगा सही, कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका मर्द तो ना आप थे ना मुरीद, वो तो उस चार दीवारी की पाबंदी में उसको जो भी नजर आया उसने मोहब्बत कर ली, पर कल से वो आजाद हो गई, उस चार दीवारी से आजाद हो गई। अब वो अपने मर्द को तलाश करने गई है साईं, जो उसके अंदर रहता है। हो सकता है सही उसका कोई मर्द हो ही ना, वो अपनी तलाश में निकली हो, क्योंकि औरत शायद पाबंदी में मर्द से मोहब्बत करती है, आजाद होकर तो वो खुद से मोहब्बत करती है सही, सिर्फ खुद से।